वोगस वोट को लेकर के दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच में हुई भारी हिंसक झड़प और 6 व्यक्ति हुए गिरफ्तार और कुछ लोग पहुंचे DMCH। आपको बताते चले दरभंगा जिला में 7वें चरण के अंतर्गत केवटी और जाले प्रखंड में मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई। वहीं तकरीबन दिन के 3:30 बजे बूथ संख्या 217 जो बाढ़ समेला और लालगंज के बीच में एक स्कूल है वहाँ पे बोगस वोट को लेकर के दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच भारी हिंसक की झड़प होती है और झड़प इतना हिंसक हो गया कि लोग इधर उधर मतदान केंद्र से भागने लगते हैं। जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं दो पहिया जो वाहन होती है उसे तोड़फोड़ किया जाता है, जलाया भी जाता है, ऐसी खबर मिली है सूत्र के हवाले से। केवटी थाना के पुलिस से भी नहीं संभल पाता, तब जाकर कई अन्य थानाओं के पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और भारी जिला से भी पुलिस की वहाँ पर तैनाती की जाती है। नियंत्रण तो हो जाती है, नियंत्रण में है अभी और काफ़ी कंट्रोल में, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आपको बताते चले वरीय पुलिस अधिकारी SSP बाबूराम, CTSP, साथ ही साथ जिला अधिकारी भी शाम के वक्त वहां पहुंचते हालात की पूरी जायजा लेने के लिए। जब वो पहुंचते जहां से उनकी गाड़ी गुजरती है, कुछ जगहों पे अभी भी उस समय वोटिंग हो रही होती है। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर निकल के आई कि 7वें चरण के चुनाव के मद्देनज़र केवटी के बाढ़ समेला में दो गुटों के बीच अचानक से हो जाती है झड़प, जिसको लेकर के आइए सुनते हैं वरीय पुलिस अधिकारी ने क्या कहा है। केवटी प्रखंड में बाढ़ समेला गांव में आज पंचायत चुनाव के दौरान दो कैंडिडेट के समर्थकों के बीच में आपस में यहां कहा सुनी हो गई, दोनों ने एक दूसरे पर हल्का पथराव भी किया है। उसमें बाद में पुलिस आई तो सब दोनों शांत हो गया, हालांकि बूथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान समाप्त हो गया है। अब जो दोनों पक्ष हैं दोनों को बुला के बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई की जाएगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो FIR कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। गाड़ी उड़ी भी क्षति, रोड़ेबाजी भी हुई है, पत्थरबाजी भी सर। अभी हम जांच कर रहे हैं और हिरासत में भी लिए गए हैं लोग। दिन में आए थे तो उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन किया था, तो अभी और देख रहे हैं कि यहाँ दिन में कौन कौन लोग रहे थे, उसकी पूछताछ जांच कर रहे हैं।